सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज क्लास टेंथ एक्सरसाइज ये 1.3 है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, उसकी कंसेप्ट को हम बताने जा रहे हैं। देखिए जरा हेडिंग जो पढ़ी उसको समझिएगा। लिखा इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है या कैसे आप दिखाओगे संख्या अपरिमेय है। वो लिखा है अपरिमेय है, जान गए आप, आपको कैसे मालूम। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो हमारा नाइन्थ क्लास का नॉलेज है या रियल नंबर के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसका हल्का सा कुछ बानगी हम दे देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपने जो इंटीजर पढ़े ना, इंटीजर इंटीजर जिसको कि आपने कहा पूर्णांक, हम नेचुरल नंबर ये नहीं जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं, ठीक है, चलिए बता देते हैं। तो आप जानते हैं अगर वन से लेकर के कोई नंबर ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, ये सब काउंटिंग नंबर है, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर या पूर्णांक कहते हैं, है ना। और अगर जीरो भी शामिल कर लें इसमें तो इसे आप कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अगर नेगेटिव संख्या भी इसमें शामिल हो जाए तो ये बन जाता है इंटीजर। यानी इंटीजर में 0 1 2 3 4 -1 -2 ये होता है, यानी इसमें डेसिमल नहीं होता, यानी इसमें इन संख्याओं में नो डेसिमल, कोई भी डेसिमल संख्या इसमें नहीं होती, यानी दशमलव नहीं होता, इसमें दशमलव नहीं होता। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी होती है हिंदी इंग्लिश में और सब सेम है, इसलिए अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं दोनों शब्द यूज़ कर रहा हूँ। अपने अपने भाषा के हिसाब से संख्याओं को या उन वर्ड्स को आप चुन लीजिए, ठीक है। तो ये तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ डेसिमल भी होते हैं, दशमलव संख्याएं भी होती हैं। तो डेसिमल नंबर जैसे हमने लिख दिया 1.23, काम खत्म। हमने दूसरा नंबर लिख दिया कि 1.33333 बहुत है 3, ये भी एक लिख दिया। एक में हम लिख दिया 1.01001110011100, लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये कैसा डेसिमल है, दशमलव संख्या आई है, ये पूर्णांक तो है नहीं, ये इंटीजर तो है नहीं, ये तो डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर भी तीन तरीके के डेसिमल नंबर लिखे गए, अगर तीनों को ध्यान से देखें तो किस प्रकार के डेसिमल नंबर हैं। पहले वाला डेसिमल नंबर आपको क्या दिख रहा है, इसका नाम आपने छोटे क्लासेस में, अब छोटा बहुत भी नहीं, नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, मतलब कुछ डेसिमल के बाद में अंक आगे नहीं होंगे, जिसको कि शांत दशमलव कहते थे, शांत शांत दशमलव, डेसिमल को दशमलव कहते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक नंबर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल है। हिंदी में अगर आपको मालूम हो तो ये अनावसानी वर्ड यूज किया गया था, एक है अनावसानी और आवर्ती, अनावसानी और आवर्ती दशमलव है, दशमलव नहीं लिख रहे हैं, आवर्ती दशमलव है ये नंबर। और तीसरा ये रिपीटिंग में नहीं है और ये आगे लगातार बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म खत्म तो ये भी कभी नहीं होगा, लेकिन इसमें यही नंबर बार बार रिपीट करता है। इसको आपको ध्यान होगा, इसको आप लिखते थे 1.3 ऊपर बार लगा देते थे, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब अनावसानी है और अनावर्ती है, ये आवर्ती नहीं है। इतने प्रकार के डेसिमल आपने पढ़े, है ना। अच्छा, मैं इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, इंटीजर दिमाग में रखिएगा क्या होता है। अब जरा समझिएगा, अगर हम इस नंबर की बात करें 1.23, तो आपको डेसिमल हटाना सिखाया गया है, कैसे, क्या तरीका था कि अपान में लिखिए, डेसिमल को हटाओ, उसकी जगह पे वन लिख दो, उसके बाद जितनी संख्याओं हो उतने जीरो खिला दो, तो ये 1 2 3 upon 100 कर सकते हो, याद करिए, बचपन से आप डेसिमल हटाने का यही तरीका लगाते हैं ना। यानी इसको आप डेसिमल को हटा के समथिंग अपान समथिंग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, हैं, इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है।
इस नंबर की जानकारी भी आपको होगी, इन नंबर की भी आपको जानकारी है कि 1.3333 कैसे आप लिखते थे, याद करिए आप, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम उसको बताने नहीं जा रहे हैं फिलहाल, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो इसको भी पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं लिख सकते, है ना। यानी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डेसिमल में लिखे होते हैं, उनको पी अपान क्यू, समथिंग अपान समथिंग, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो उनके भी नाम दे दिए गए, तो एक दे दिया गया रेशनल नंबर और एक दे दिया गया इरेशनल नंबर। इसके बारे में आपने नाइन्थ वगैरह में पूरा पढ़ा है, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत यहाँ कंसेप्ट है इसलिए उसको हम बात करेंगे। इरेशनल की पूरी यहाँ पर बिरादरी यहाँ पर है। तो एक तो आपको पढ़ाया गया रेशनल नंबर, रेशनल, राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ, जिसको कि आप कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वे नंबर्स जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी और क्यू इंटीजर हैं, यानी कि पूर्णांक है, और शर्त एक है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया आप कहें 3/2, तो 3 भी आपका इंटीजर है और 2 भी आपका इंटीजर है, ये दोनों पूर्णांक हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। हम आप कहेंगे 5 तो 5/1 लिख सकते हो, हम कहेंगे 0 तो 0/1 लिख सकते हो, शर्त ये है कि अपान में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, तो इनकी भी आपको जानकारी है। अगर कोई पॉइंट में नंबर लिखा है तो पॉइंट हटाना आपने सीखा है, अपान 10 कर दोगे 12/10। और जब भी कोई भिन्न लिखी जाती है, फ्रैक्शन लिखा जाता है, वो हमेशा लोवेस्ट टर्म में होता है, मतलब अगर किसी नंबर से दोनों कट रहे हैं तो काट पीट के ही लिखोगे, 2 से काटोगे तो 6/5 आएगा। तो यानी कि अगर डेसिमल नंबर है तो वो भी आपका रेशनल नंबर है, वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको भी पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गए आपके रेशनल नंबर। अब जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं ले सकते, वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, यानी उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, इन कैसे क्या, उन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होता है, जहाँ पी क्यू इंटीजर है लेकिन जब लिख ही नहीं सकते, बात ही खराब, खत्म हो गई। कैसे, अब मान लिया आप, अब आप कहेंगे भाई दशमलव तो हटाना सीखा हमने, डेसिमल को हटाना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ तो 1.22001110101110000 खत्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या आप डेसिमल हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। तो अगर ऐसी संख्या दी हुई है तो वो कैसी हैं, वो इरेशनल नंबर हैं, वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अगर रूट में संख्या दी है, रूट टू दिया है, तो वो आपकी इरेशनल है, लेकिन सब नहीं। अगर रूट फोर दिया है तो आपने बचपन में पढ़ा है कि रूट फोर को 2×2 करके 2 बाहर लिख सकते हैं। तो अगर रूट ऐसी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, अगर 16 लिखा होता तो 16 4 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ऐसी संख्या है तो वो रेशनल है। अदरवाइज अगर यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब वर्ग नहीं है, तो वो इरेशनल है। रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ये कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई को इरेशनल माना जाता है। अब आप कहेंगे भाई पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 3.14 आप उसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक है, दो अंकों तक सीमित कर देते हैं, वरना इसकी संख्या तो 1 ट्रिलियन अंकों तक निकाली जा चुकी है, अभी भी कंप्लीट निकली नहीं है, इसलिए ये आपकी संख्या कंप्लीट नहीं है, इसलिए पाई को इरेशनल माना जाता है। तो ये रेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ। तो हमें इरेशनल की बात करनी है, अपरिमेय की बात करनी है, कि कोई संख्या दी है वो अपरिमेय है, कैसे बताएंगे। तो समझ आ गया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जरा एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक आध बातें और देख लीजिए, हम रेशनल को R से लिख रहे हैं और इरेशनल को IR से लिख रहे हैं। रेशनल बोले तो परिमेय और इरेशनल बोले तो अपरिमेय। अगर आप एक रेशनल नंबर ले लीजिएगा और एक इरेशनल ले लीजिएगा,
यानी एक परिमेय ले लीजिएगा और एक अपरिमेय ले लीजिएगा और दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा वो इरेशनल होगा, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय गिव्स यू अपरिमेय, ठीक है। दूसरी बात, आप रेशनल में इरेशनल माइनस करें या इरेशनल में रेशनल माइनस करें, ये पूरा रिजल्ट आपका इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है, ये हम अभी प्रूव भी करेंगे। तीसरी बात, अगर आप देखो रेशनल रेशनल तो रेशनल होगा आपका, परिमेय परिमेय अगर 1/2 + 3/4 करोगे तो कुछ आएगा आंसर, वो पूरा पूरा आ जाएगा। अगर आपको इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भाई मैटर करता है कि रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, यानी इरेशनल भी हो सकता है या ये रेशनल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस इरेशनल नंबर पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई √3 से कर देता हूँ तो √3 हमने कहा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है और ये नंबर कैसा हो जाता है, ये रेशनल संख्या हो जाती है। लेकिन अगर आप √3 का मल्टीप्लाई √5 से कर देते हैं तो भैया √15 आ जाता है और √15 इरेशनल होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप कि रेशनल है वो इरेशनल है, वो उस नंबर पर डिपेंड करता है जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ये ध्यान रखिए, थोड़ा फील भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको, एक थ्योरम है, वो थ्योरम आपके को प्रूफ नहीं करनी है लेकिन उस थ्योरम का स्टेटमेंट दे करके कुछ सीखना है, ज़रा समझिएगा। स्टेटमेंट ये है कि पी इज अ प्राइम नंबर, एक पी है, एक संख्या है, वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है वो नंबर जो दो अलग अलग नंबरों से, केवल दो अलग अलग नंबरों से करता है, एक खुद से करता है, एक वन से करता है। वन प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि वन दो अलग अलग नंबरों से नहीं कटता, वो अपने आप से ही कटता, वन 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 से ही कटेगा, दो अलग अलग नंबरों से कटे, एक वन से कटे एक खुद से कटे, तो प्राइम नंबर होते हैं। तो उन्होंने कहा प्री अगर एक प्राइम नंबर है जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं और पी जो है वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, भाग करता है, डिवाइड मतलब भाग करता है, ये इतनी हिंदी आती है आपको, जहाँ ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, पी ए को भी भाग करेगा। फिर समझिएगा, अगर ए स्क्वायर कोई संख्या है और उसको कोई भी प्राइम नंबर पी डिवाइड कर देता है तो वो उस अगर उस संख्या के स्क्वायर को पी डिवाइड करता है तो संख्या ए को भी पी डिवाइड करता है। जरा समझने की कोशिश करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा एक संख्या लिया 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किया, 10 आपका एक संख्या ए है, उसका स्क्वायर कर दिया, और हमने कहा कि 2 एक प्राइम नंबर है और आपने कहा 2 divides 10 square, 2 जो है 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब बताओ 2 10 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? तो यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 divides 10 also, 2 जो है 10 also, 2 10 को भी डिवाइड करता है। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ना मानो तो करके देखो, इसको कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लो। जैसे मान लिया आप यहां पर संख्या लो 5 square और 5 square कह दो 5 डिवाइड करता है, 5 divides 5 square, तो बताओ ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा? तो 5 divides 5 also, 5 divides 5 also। इस पॉइंट को मेमोरी में डाल लीजिए आप कि अगर कोई संख्या एक प्राइम नंबर है वो किसी स्क्वायर संख्या को डिवाइड करता है तो उस संख्या को भी डिवाइड करता करेगा। जैसे 20 का स्क्वायर है, अब 20 के स्क्वायर को 11 डिवाइड नहीं कर सकता तो 20 को भी नहीं करेगा, लेकिन 20 के स्क्वायर को 4 डिवाइड करता है, 5 divides 20 square, तो देखो 5 divides 20 also, 20 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद करिएगा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो अगर स्क्वायर हटा दोगे तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब देखिए, जो हम हेडिंग डाली है हमने इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर,
कोई अपरिमेय संख्या अपरिमेय क्यों है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, बिना फील गुड के आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। तो पहले तो कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में भी और हर बुक में रहता है, बहुत ही एग्जांपल है। आपको कहा जाएगा प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, मतलब सिद्ध करिए कि रूट टू जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे वो तो है, कैसे कहोगे भाई है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर रूट टू की वैल्यू आप अंडर रूट निकालने की कोशिश करिए तो इसका अंडर रूट कभी ख़त्म नहीं होगा। हमने कहा अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट के अंदर 4 है, तो रूट के अंदर जो 4 है ना वो 2 का स्क्वायर है, तो इसका 2 बाहर होगा, लेकिन ये 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका रूट हो नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो हमको निकाला है ये इरेशनल नंबर है, कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो थोड़ा टेक्निकल है, सावधान। देखिए इसका सलूशन क्या है, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहा जाता है, विरोधाभास मेथड, बड़ा अजीब नाम लग रहा ना। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि हमसे जो कह रहे हैं कि वो नहीं है, हम कहते हैं वो वही है, यानी प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, यानी कि नॉट रेशनल नंबर, ये नॉट रेशनल है, इरेशनल नहीं है, तो हम मानेंगे नहीं भैया ये रेशनल ही है, यानी ये परिमेय संख्या है, मान के चलेंगे। और बाद में कुछ ऐसी बात उससे प्रूफ होके आ जाएगी जो संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि भाई जो हम कह रहे थे वो गलत है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो पहले हम मान लेंगे कि लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, वो ध्यान से समझिएगा, मतलब ने माना कि रूट टू जो है एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है, ये लेट मतलब माना, हमने ये मान लिया। अब आप कहेंगे तो आपको तो प्रूफ करना है रेशनल नहीं है। हाँ जी, यही इसी को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं, कि आपको जो कहे वो नहीं है वही कह दो नहीं है वो। तो अच्छा, अगर ये रेशनल है तो मतलब रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो दो नंबर्स के रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब रूट टू को क्या लिखा जा सकता है, रूट टू को लिखा जाता है ए एंड बी, और जहां ए और बी क्या है, जहां पर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, यानी कि ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बी इज हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इसको ध्यान समझिएगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब इनका कोई भी गुणनखंड जो है एक नहीं है, ठीक है, इनका गुणनखंड कॉमन नहीं है, यानी कोई भी कॉमन गुणनखंड फैक्टर, मतलब कोई भी गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या इसको कहीं कहीं लिखा होता है कि ए एंड बी आर, क्यों नहीं है भाई ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं हैं, आप ये लिख दो ज्यादा ठीक रहेगा, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये लिख दो असहबाज, ठीक है, पूरा ना लिखिए, ए और बी इंटीजर्स हैं, और वो कैसे इंटीजर हैं, को प्राइम नंबर हैं। आपको याद होगा को प्राइम नंबर क्या बताया गया था, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से करते हैं और वन से करते हैं और किसी से नहीं करते, ठीक है, यानी ये जो संख्या हम लिख रहे हैं ना वो 3/2 हो सकती है, लेकिन 3/6 नहीं हो सकती, क्योंकि कट जाएगा 1/2, यानी ये दोनों नंबर केवल वन से कट रहे हैं और किसी से नहीं कट रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्यों यही यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा किसी और से भी कटेगी। अच्छा, यानी इसको हम किसी और नंबर से नहीं काट सकते, ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यानी दोनों तरफ वर्क कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का
वर्क करने पर, हिंदी में बोल देते हैं उसको अपने आप समझ लीजिएगा, ठीक, उसका मतलब समझ में आ ही जाता है। पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, राइटिंग थोड़ा गंदी है, तो ये क्या आएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ध्यान से समझिएगा, देखो जब आपने बी स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई किया, जब आपने बी स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आया। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर को, इस पूरे नंबर को टू से डिवाइड कर दें तो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा ना। अगर इस पूरी संख्या को हम कहें टू से भाग करना है, डिवाइड करना है, तो हो जाएगा ना, टू टू कट जाएगा। और ये संख्या किसके बराबर है, ए स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ए स्क्वायर जो है वो टू से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान टू। यानी ए स्क्वायर को जब दो से डिवाइड किया तो ए बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर को जब दो से डिवाइड किया तो क्या आया, बी स्क्वायर आया। बी एक इंटीजर है, इसका मतलब नंबर डिवाइड हो रहा है ना भाई। कोई संख्या अगर डिवाइड, जैसे आप सिक्स को अगर टू से डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड होगी, थ्री टू जा सिक्स जीरो आएगा, तभी तो यहाँ इंटीजर आएगा ना। अगर डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल में आ जाएगा। तो यानी ये संख्या ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब जो टू है ना वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही, यानी टू एक प्राइम नंबर है। और अभी हम कह रहे थे कि अगर कोई प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को डिवाइड करती है तो भैया उस नंबर को भी करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टू डिवाइड्स ए आल्सो, टू डिवाइड्स ए आल्सो। यही तो हम कह रहे थे कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए पहले। तो आपने कहा टू ए को भी डिवाइड करता है, यानी कि अगर मैं, हमने कहा ए को टू डिवाइड करता है, यानी ए को टू से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा एक नंबर आएगा ना, उस कोई इंटीजर ही तो आएगा, सी एक इंटीजर है। हमने मान लिया कि इंटीजर क्या आ रहा है, से माना हमने कि सी आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, टू सी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है भाई। दूसरी तरीके समझिएगा, अगर ए को टू डिवाइड कर रहा है तो ए टू का मल्टीपल होगा भाई, दो के पहाड़े में टेबल में आ रहा होगा ना, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो पंच, तभी तो दो से डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब ए दो का मल्टीपल होगा, तो ए टू सी हो गया। इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब ए की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर वन में यहां पुट करिए, पुटिंग ए, पुटिंग ए इन इक्वेशन वन, रखो यहां पर जरा वन पे, यहां रखते हैं हम। तो जब वन पे रखो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को लिखा टू सी, टू सी का स्क्वायर बाई टू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपान टू, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिए, 2 में किसी का मल्टीप्लाई किया तब b स्क्वायर आया, यानी b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। भाई b स्क्वायर की वैल्यू देखिए, 2 टाइम समथिंग हुआ ना, इसको अगर हम देखें तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 ले सकते हैं। b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो कोई नंबर आया, c इंटीजर है ना, यहाँ जो c है ना वो क्या है, वो एक इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर को भी टू से डिवाइड किया जा सकता है। अगर बी स्क्वायर को टू से डिवाइड किया जा सकता है तो बी को भी टू से डिवाइड किया जा सकता है। यानी आप लिखेंगे कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर इंप्लाइज टू डिवाइड्स बी आल्सो। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। आप देखो, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां पर जो आप, पहले इसको नोट करिए, यानी कि आपने पहले क्या किया, टू डिवाइड्स ए, टू ए को भी डिवाइड करता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टू डिवाइड्स ए, इसका मतलब हमने अभी ए को क्या माना था, टू सी, और टू डिवाइड्स बी आल्सो, टू डिवाइड्स बी भी है, तो बी को मान लीजिए टू डी। जरा ध्यान से समझिएगा, ए का जब जो फैक्टर आ रहा है, ए टू इंटू सी और बी का टू इंटू डी, तो अगर हम यहाँ पर दोनों का एस सी एफ निकाल लें, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी, तो भैया टू आएगा ना। और जरा शुरुआत में देखिए, आपने क्या कहा था, आपने जब इसको ए अपान बी माना था तो आपने क्या माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम मतलब
सह अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा वन को छोड़ करके, तो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये विरोधाभास है। विरोधाभास का है का, हमने जो माना था ये विरोधाभास है, यानी हमने जो माना, हमने क्या माना था? हमने माना था ये एक रेशनल नंबर है, हमने ही तो माना था ना। और ये अगर रेशनल मानते हैं तो हमारे मानने के हिसाब से ए और बी किसी भी संख्या से नहीं कटने चाहिए थे वन को छोड़ करके, और ये भाई साहब टू से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो माना गलत है। सो रूट टू इज इरेशनल, या रूट टू इज नॉट रेशनल, यानी ये परिमेय नहीं है, या हम कह सकते हैं कि रूट टू इज इरेशनल, ये अपरिमेय संख्या। इतना हिंदी लिख लोगे ना, इरेशनल। समझ में आई बात नहीं आई? सब क्वेश्चन का एक ही लगाने का तरीका है, हमसे कहेंगे इरेशनल तो हम कहेंगे ना इरेशनल, और बाद में हम कुछ ऐसा सिद्ध कर देंगे कि वो संभव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम ए अपान बी मानेंगे ना, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपने छोटे क्लासेज भी पढ़ा हुआ है कि अगर भैया 18 अपान जो है मान लेते हैं 12 लिखना है, तो नंबर ऐसे नहीं लिखे जाते थे, आपको कॉमन फैक्टर्स इसको काट करके हमेशा आप इसको लोवेस्ट टर्म में लिखते थे, वही यहाँ पर भी है। तो हमने पहले कह दिया कि ये जो ए अपान बी है को प्राइम है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ सिद्ध हो गया कि टू कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन गुणनखंड है, तो जो हमने माना वो गलत था, इसलिए वो रेशनल नहीं होगा। तरीका समझ में आया? इसका एक तरीका है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, शायद कुछ फील हो जाए, ठीक है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वो आपसे कहेंगे नहीं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको लगाना है, ठीक है। क्या आप कहेंगे? आप इसको रेशनल मान लेंगे। अब भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन है, इसको फील तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा और गहराई पे हम जाके इसको फील करवाएंगे, ठीक है। हम क्या मानेंगे, इसका सलूशन क्या तरीका होता है? लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, यानी इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। माना कि रूट थ्री कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि रूट थ्री को लिखा जा सकता है पी अपान क्यू, पहली बात। और जहां P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी ये पूर्णांक हैं। अब R और एंड ये आप जानते हैं हिंदी में, ठीक है। और Q एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात। और P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स है ये, को प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं, नहीं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। हमने बताया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता वन को छोड़ करके, यानी ये दोनों वन से ही कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, वही हम उल्टा प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब हमारा लफड़ा शुरू हुआ, मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यह आएगा रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसकी हिंदी लिख लेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ध्यान से समझिए जरा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान थ्री। सावधान, पी क्या था? पी एक इंटीजर था, एक पूर्णांक था। क्यू क्या था? क्यू भी एक इंटीजर था। पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जब पी स्क्वायर को आपने थ्री से डिवाइड किया तो इंटीजर मिला, पूर्णांक मिला। किसी संख्या को थ्री से डिवाइड करते हो, इंटीजर कब मिलता है? जब संख्या पूरी की पूरी थ्री से कट जाती है, तभी तो मिलेगा ना। अगर आप किसी संख्या को थ्री से डिवाइड करते हो, 18 को थ्री से करते हो, तो तिछंग 18 तभी मिलता है ना, जब ये तीन, ये 18 तीन से कट जाता है। अगर आप 17 को तीन से डिवाइड करोगे भाई साहब, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तब इंटीजर नहीं आएगा। तो अगर आपने पी स्क्वायर को थ्री से डिवाइड किया है और आपको एक इंटीजर मिला है, तो आप कह सकते हो कि थ्री जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, कह सकते हो ना। तो आप कह सकते हैं इम्प्लाइज थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी हम पढ़ चुके हैं थ्री क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक आभास संख्या है, और कोई भी प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब थ्री डिवाइड्स पी आल्सो, डिवाइड्स पी आल्सो।
जो 3 है वो p को भी डिवाइड करेगा, यानी p को भी 3 डिवाइड करेगा। अब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? जब वो 3 का मल्टीपल होगा। भाई कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? वो 3 हो, 3 दूनी 6 हो, 3 त्रिकोण 9 हो, 3 चौक 12 हो, 3 18 हो, 3 से 21 हो, तभी तो 3 से डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी ऐसे ही क्वेश्चन क्या होगी, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, तभी तो डिवाइड हुआ ना। यानी कि हम p को मान सकते हैं कि ये कुछ 3c टाइप की क्वेश्चन होगा। p इज इक्वल टू 3c, 3 का कोई गुणक होगा। c यहां पर क्या है? c यहां पर बिलोंग करता है इंटीजर को, ये c इंटीजर है। यहां तक गाड़ी तो पहुंच गई आपकी। सब क्वेश्चन का एक ही तरीका है, ठीक है। अगर रूट 7 होगा तो यहां 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 7 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा, तो 7 का मल्टीपल होगा। अब देखो ध्यान से, अब पी की वैल्यू क्या आपने लिख दी 3c। अब पी की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर इसको 1 मानो, 1 में रखो। पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, 1 में रखो जरा। अच्छा एक मिनट, स्क्वायरिंग का जहां किया यहां रखो, यहां पर इसको 1 मानो, यहां ना रखो, यहां भी ना रखो, यहां लिखो, यहां पी रखो जरा। तो क्या आएगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है 3c का होल स्क्वायर, मतलब 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, और q स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 3। फिर पकड़िए, c एक पूर्णांक है, c एक इंटीजर है, उसके स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद इंटीजर ही आ गया, मतलब c स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? और डिवाइड होकर के आपको q स्क्वायर मिल गया। ये मैं सही लिख रहा हूं ना? नहीं, उल्टा लिख दिया शायद। हाँ सही लिख रहा हूं मैं, यानी कि जो q स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। उल्टा लिख रहा हूं क्या कहीं पर? एक मिनट रुकिए जरा। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3, वैल्यू p की रखी है हमने, तो p की रखी है 3c, तो ये p की वैल्यू हो गई 3c, 3q स्क्वायर, हाँ ठीक है, c स्क्वायर बाई 3। एक मिनट, ये उल्टा हो गया ना, ये थोड़ा सा कटिंग गड़बड़ हो गई है ना। 3 से करोगे तो ये थोड़ी आएगा, c स्क्वायर की वैल्यू आएगी q स्क्वायर अपॉन 3, यानी q स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करोगे तो c स्क्वायर आएगा। यानी q स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, तो आप लिखेंगे इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। और 3 एक कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यानी वो q को भी करेगा, यानी 3 डिवाइड्स q आल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो q होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, यानी q को आप मान सकते हैं कि q कुछ इस फॉर्म में होगा 3d। अब देखो q बराबर क्या है 3d, और p बराबर क्या है 3c, और अगर इनका HCF निकालोगे महत्तम समापवर्तक तो 3 आएगा ना। 3 आने का मतलब क्या होता है कि ये p भी 3 से कट जाएगा और ये q भी 3 से कट जाएगा। इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो गड़बड़ है। आपने पहले ही कहा था कि भैया ये को प्राइम नंबर्स हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये केवल 1 को छोड़ के किसी से नहीं कट सकती। सो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो विरोधाभास, विरोधाभास। क्या विरोधाभास था? ये भास लिखा हुआ है, क्या विरोधाभास था? आप इसको क्या मान रहे थे? रेशनल, यही तो विरोधाभास है। इससे क्या शो हो गया? इट मींस रूट, आप यहां लिख देंगे इट मींस रूट टू इज नॉट रेशनल, रूट टू इज, रूट थ्री इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा? इरेशनल। अब तो तरीका समझ में आ गया होगा, जो नंबर हो रूट फाइव, अब रूट नाइन नहीं भैया, रूट नाइन 3 का स्क्वायर होता है, उसका रूट निकल आता है, ठीक। इसे नोट करें आप, बहुत बढ़िया, हमने कोशिश की है तो अच्छी तरीके समझाने की, यही एक तरीका है, ध्यान से करिएगा, ठीक। नोट करिए, क्वेश्चन है कि प्रूव करिए, सिद्ध करना है कि 5 - √3 इरेशनल है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्टिंग वीडियो की थी, देखो 5 जो अकेला है ना, वो 5 को अपान 1 लिखा जा सकता है, और 5 इंटीजर है, पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये तो रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। और रूट 3 अभी आप सिद्ध कर चुके हो कि अपरिमेय है, यानी इरेशनल नंबर है। और अभी हमने कहा था कि अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर साथ प्लस माइनस करोगे तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, तो यानी ये इरेशनल होगा। लेकिन क्या यही तर्क लिखने से काम चल जाएगा कि भैया रेशनल माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल होगा, इसलिए होगा तो होगा, होगा नहीं तो क्या नहीं, क्यों नहीं होगा, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही होगा,
वही कॉन्ट्रडक्शन मेथड। क्या तरीका होता है कि आप इसको रेशनल मान लीजिए, ठीक है। देखो हिंदी मीडियम में केवल वर्ड्स अलग अलग हैं, रेशनल को परिमेय, इरेशनल को अपरिमेय, और रूट टू, रूट थ्री, अपान, इक्वल, स्क्वायरिंग, ये सब ऑलरेडी आप टर्मोलॉजी जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लेट कर लिया, क्या मान लिया कि 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। रेशनल नंबर बोले तो हमने इसको परिमेय संख्या मान ली, ठीक। अच्छा, अगर आप रेशनल नंबर मानते हो तो नियम क्या है कि उसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब आप 5 - √3 को क्या ले सकते हैं, पी अपान क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू क्या है, आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं है ना, और क्यू जीरो नहीं है, यानी आप ये देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर हैं, यानी दोनों भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई लफड़ा नहीं करना है आपको, रूट को अकेला कर दो तो 5 - p/q = √3। तो ये जब एलसीएम लोगे तो आएगा 5q - p/q = √3। जरा ध्यान से देखिएगा, ये संख्या कैसी आएगी, ये भी तो अपान में आएगी ना भाई, ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है, यानी ये फ्रैक्शन में आएगी ना, भिन्न संख्या है ना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, हियर 5q - p/q जो निकला है वो क्या है, वो रेशनल नंबर है, रेशनल है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि ये परिमेय है या भिन्न कहो, परिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है, जानते हैं ना। और रूट थ्री कैसा है, रूट थ्री इज इरेशनल, ये प्रूफ कर चुके हैं आप, रूट थ्री इरेशनल है, अपरिमेय है। तो और अपरिमेय की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता, और आप तो साफ साफ जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, पी अपान क्यू के फॉर्म लिख रहे हैं समथिंग अपान समथिंग, सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो 5q - p/q जो आया है ना वो रूट थ्री के इक्वल नहीं हो सकता, सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा, सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे कहीं पे कॉन्ट्रेरी कह दिया जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः यह पूरा लिखे दे रहे हैं। अच्छा, क्या विरोधाभास है, आप इसको क्या मान रहे थे, रेशनल, और रेशनल मानने से लफड़ा क्या आ गया कि दो संख्याएं जो बराबर नहीं हो सकती वो बराबर आ गई, ये बराबर भी आगे बैठ गया करके उसको भगा दिया था, थटो यहाँ से। सो 5 - √3 इज नॉट रेशनल, इसलिए यह रेशनल नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हो गई है, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लंबी वीडियो देकर के अरे दादा बहुत ज़्यादा मैटर होगा, इसलिए इतने करिएगा, एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आपको लगे अगर आपके लिए ये लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन कंटेंट ठीक है। ओके, थैंक यू।